So now moving ahead with the poem. Did you like my song? Not too bad, but far too long. अब यहाँ पे क्या होता है? जब frog अपना इतना ज़्यादा तारीफ कर देता है, तो Nightingale को लगता है कि ये तो बहुत great है, तो वो उससे पूछती है, Did you like my song? क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? आगे से frog क्या बोलता है? Not too bad, but far too long. इतना बुरा नहीं था, but बहुत ही ज़्यादा लंबा song था तुम्हारा. The technique was fine, of course, but it lacked certain faults. टेक्निक का मतलब होता है मेथड, मतलब तुम्हारे गाने का मेथड तो ठीक था, लेकिन lack का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना. ऐसे होता है ना, lack of water means shortage of water. इसी तरह से वो बोलता है lacked certain force, but तुम्हारे गाने में एक फोर्स की कमी थी. Oh, the Nightingale confessed, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and throat. So now, the Nightingale was like, उसको ऐसे नहीं कि बुरा लगा कि मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, बल्कि वो बहुत ज़्यादा impressed हो गई. Why? Greatly flattered. Flattered होता है, felt very pleasing. उसे बहुत अच्छा लगा and impressed. और बहुत ज़्यादा impressed हो गई that a critic. Critic होता है basically judge. आपने सुना होगा Bollywood में बोलते हैं ना, film critics हैं. So that is what कि वो उसको judge करते हैं. So वो सोचती है कि अ क्रिटिक ऑफ सच नोट, मतलब इतना महान क्रिटिक, इतना महान जज ने मेरी आर्ट और थ्रोट को डिस्कस किया है, मेरा जो सिंगिंग का आर्ट है उसके बारे में बात हो रही है और मेरे गले के बारे में बात हो रही है. राइट, आई डोंट थिंक दिस सॉन्ग्स डिवाइन, बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन. अब Nightingale आगे बोलती है कि शायद आप ठीक कह रहे हो कि जो वो सॉन्ग था इतना डिवाइन नहीं था. डिवाइन मतलब होता है वेरी प्लीजिंग. सो वो बोलती है हो सकता है वो इतना प्लीजिंग ना हो, बट वेल एटलीस्ट इट वॉज माइन, बट कम से कम वो मेरा सॉन्ग तो था. तो आगे से दैट्स नॉट मच टू बूस्ट अबाउट, सेड द हार्टलेस फ्रॉग, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ बिगिनर. So, अब जब वो बोलती है कि वो इतना डिवाइन नहीं होगा मेरा सॉन्ग, बट एटलीस्ट वो मेरा था, तो फ्रॉग आगे से बोलता है दैट्स नॉट मच टू बूस्ट अबाउट, इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. बूस्ट मतलब होता है आर्ट ऑफ सेल्फ प्रेज, जैसे अगर हम अपनी ही तारीफ कर रहे हैं तो दैट इज खुद को बूस्ट करना. राइट, सो वो बोलते हैं इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं, इतना खुद को बूस्ट करने की जरूरत नहीं है. सेड द हार्टलेस फ्रॉग, हार्टलेस का मतलब होता है काइंडलेस, कि बिल्कुल भी दया वाला नहीं था वो, उसने इस तरह से उसको बोला. विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ बिगिनर. तो वो बोलता है विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जो कि सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, ऐसी ट्रेनिंग जो या तो मैं दे सकता हूँ या कुछ और लोग दे सकते हैं. सप्लाई हियर मींस गिव, कि वो दे सकते हैं. You will remain a beginner, तुम एक beginner ही रह पाओगी, but with me you will be a winner, लेकिन मेरे साथ तुम एक winner बन सकती हो. Dearest frog, the Nightingale breath, this is a fairy tale and you are Mozart in this case. So अब क्या बोलती है, Nightingale बहुत ज्यादा impress हो चुकी है कि हाँ मुझे training भी दे सकती है ये, तो वो उसको बोलती है Dearest frog, this is a fairy tale and you are Mozart in this case. ये एक fairy tale की तरह है और आप Mozart हो. Mozart is basically a very great musician. तो उससे वो उसको frog को बोलती है कि आप तो Mozart हो in disguise. Disguise means different identity. जो कि एक अलग identity, मतलब आप इतने बड़े musician हो जो कि एक frog की identity में आए हो. Come to earth before my eyes, जो कि मेरी आंखों के आगे आया है. Okay? Well, I charge modest fee. Oh, but it won't hurt, you'll see. अब आगे से frog और महान, वो क्या बोलता है? मैं एक modest fee charge करता हूँ. Modest means very less, मतलब कि मैं बहुत कम fees charge करता हूँ और तुम्हें इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा. And it won't hurt you, we'll see. मतलब तुम्हें इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पोएम. नाउ द Nightingale इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड,
Now, the Nightingale inspired means now she is very encouraged because अब उसे frog ने बोल दिया कि वो उसे training देगा, तो अब वो बहुत ज़्यादा encouraged हो जाती है, flushed, flushed होता है excited, excited with confidence and fired. Fired means आग लगना नहीं है, fired means बहुत ज़्यादा boost up हो गई है वो. With both art and adoration, sang and was a huge sensation. Adoration means deep love and respect. अब जब वो गाती है, so with both art and adoration मतलब कि with deep love and respect. Sang and was a huge sensation. तो वो इस तरह से गाती है that she was a huge sensation. Huge sensation का मतलब very big celebrity. जैसे होते ना कि आजकल he is a huge sensation. मतलब वो बहुत ही बड़ा celebrity बन गया है. So इसी तरह से she was the huge sensation. Animals for miles around flock together the magic sound. So animals for miles around मतलब दूर दूर से animals आ रहे थे. Flock towards means flock का मतलब होता है came together towards the magic sound. जो उसकी magical voice थी उससे खिंचते हुए वो आ रहे थे. And the frog with great precision counted head and charged admission. A frog क्या करता है? Precision means accuracy and counted head. Counted head का मतलब counting the number of animals. So a frog क्या करता है? बहुत ही accuracy के साथ जितने भी लोग आए हैं वहाँ पे उनको count करता है and charge admission मतलब कि उनसे पैसे लेने start करता है in form of ticket. कि अगर तुम्हें Nightingale का song सुनना है तो तुम्हें tickets लेनी पड़ेगी. So इस तरह से वो पैसे earn करना start करता है. Though next morning it was raining, he began her vocal training. अब next morning बारिश हो रही थी और वो अपनी vocal training start करता है. मतलब frog start करता है अपनी training Nightingale के लिए. But I can't sing in this weather. Come on my dear, we will sing together. So अब यहाँ पे Nightingale बोलती है कि मैं इस weather में नहीं गा सकती since it is raining. So जब ना वो frog उसको आके बोलता है कि हम training start करेंगे तो वो बताती है कि मैं इस weather में नहीं गा सकती. But frog बोलता है आ जाओ तुम हम साथ में गाएंगे. Just put on your scarf and sash. अब उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अपना scarf पहन लो और sash पहन लो. Sash होता है long piece of cloth जिससे body को cover करते. तो वो उसको बोलता है अपना scarf और sash पहन के आ जाओ. Coo-hoo, coo-ash, coo-ash. So the frog and Nightingale journeyed up and down the scale. अब वो दोनों गाना start करती है. Journeyed का मतलब होता है going. So go, going up and down the scale. Scale means here musical note. जैसे आपने singers को सुना होगा कहते हैं ऊपर वाला स्वर, नीचे वाला स्वर पकड़ो. So इस तरह से वो भी musical notes में ऊपर नीचे के स्वर गा रहे थे. For 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quavering. So अब 6 hours तक वो training चलती है. 6 hours तक वो continuously गाती है. Till she was shivering. Shivering होता है shaking. मतलब continuously. अगर कभी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम कांपने हैं. That is what shivering is. Okay? So she was shivering and her voice was hoarse. Hoarse means rough. 6 hours लगातार गाने के बाद उसकी जो voice है वो बहुत ही ज़्यादा rough हो गई थी. And quavering. Quavering means trembling. Trembling होते जैसे वो अटक अटक के गाती, रुक रुक के गाती, वो ठीक से नहीं गा पा रही थी. Okay? So let's see आगे क्या होता है. So now moving ahead with the poem. Though subdued and sleep deprived, in the night her throat revived. Subdued का मतलब होता है very less energy. अब उसने 6 hours तक continuously गाया, उसकी आवाज भी इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, rough हो गई थी, and इतनी कम energy थी, and sleep deprived. Sleep deprived मतलब lack of sleep, क्योंकि वो उसने practice करती रही और अब वो गाना गा रही, तो वो ढंग से ठीक time तक सोई भी नहीं है. So that was lack of sleep. In the night, her thought revived. Revived means got new strength. अब वैसे तो उसका गला बिल्कुल बैठ चुका था 6 hours तक continuously गाने के बाद, practice करने के बाद. But रात में उसका throat फिर से ऐसे हो गया जैसे उसे कोई new strength मिल गई हो. And the stomach was bored with breathless, titled crowd.
एंड ही सुमैट रिवर्स बोट. बोट होता है आपने देखा होगा जैसे कोई प्ले होता है तो उसके एंड में सब लोग आके बो करते हैं. तो यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उस ट्री ने बो किया किसके आगे, विद ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड. टाइटल्ड क्राउड है तो ब्रेथलेस होता है ग्रेट एक्साइटमेंट एंड टाइटल क्राउड मतलब हाई क्लास क्राउड आया था, रॉयल क्राउड आया था. लेट्स सी हाउ. आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंच, मुलाट एंड मेरेडी ट्रेंट. सो आउल ऑफ सैंडविच, सैंडविच हियर एंड केंट आर द नेम ऑफ प्लेसेस. सो सैंडविच के आउल, देन केंट की डक आई थी, देन मुलाट एंड मेरेडी ट्रेंट मींस देयर इट इज अ पेयर ऑफ डक व्हिच आर वेरी रॉयल. Then Martin Cardinal Mephisto and Court of Monte Cristo. So again Monte Cristo is the name of the place. Court होती है एक aquatic boat. So ये सब वहाँ पे आए थे. Ladies with tiaras glittering in the interval twittering. So ladies with tiaras, tiaras girls को I'm sure पता होगा आजकल बहुत ज्यादा ऐसे crown की तरह आते हैं, flower के या beads के वो बने होते, that is tiaras. So ladies with tiaras, why they are mentioning with tiaras? Because they want to tell that the crowd was really loyal, right? So glittering is because wo shine kar rahe hain. In the interval twittering, interval ke andar twittering karna ka matlab hai gossip karna, matlab baatein kar rahe the. And the frog observed them glitter with joy both sweet and bitter. अब जो फ्रॉग है वो उन सबको देख रहा था जो वहां इतनी ज्यादा ग्लिटरिंग हो रही थी. लेकिन यहाँ पे ये क्यों है स्वीट एंड बिटर? Why? स्वीट बिकॉज कि जितने रॉयल लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, सबसे वो टिकट्स ले रहा था, मतलब ही वॉज अर्निंग गुड. एंड बिटर बिकॉज ही वॉज क्वाइट जेलस बिकॉज वो सब किसको प्रेज कर रहे थे, नाइटिंगेल को, जबकि वो खुद गाता था तो वो चाहता था ये सब उसके लिए हो. इसीलिए ये जॉय उसके लिए स्वीट एंड बिटर दोनों था, राइट. मूविंग अहेड, एवरी डे द फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राइड टू स्कोल्ड हर. एवरी डे रोज ही फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग्स. व्हाई डज इट इन सोल्ड हर सॉन्ग्स? बिकॉज जब वो गाती थी तो जो आता था वो उससे टिकट चार्ज करता था. सो बेसिकली ही वॉज सेलिंग हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर. सिल्वर मीन्स मनी, पैसे के लिए उसकी सॉन्ग्स बेच रहा था. ट्राई टू स्कोल्ड हर, वो रोज उसको डांटता भी था. यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोस स्ट्रॉन्गर. तो वो उसको क्या बोलता है, तुम्हें और देर तक प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम्हारी आवाज भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो सके. इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट. सो नाउ वो कह रहे लास्ट नाइट जब तुम सेकेंड सॉन्ग गा रहे थे तो बीच में तुम नर्वस हो गई थी. मिड फ्लाइट मीन्स इन द मिडल. एंड माय डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, ऑडियंस एंजॉय सच फ्रिल्स. और आगे उसे क्या एडवाइस देता है, ले ऑन मोर ट्रिल्स. ट्रिल्स होते हैं म्यूजिकल नोट्स वन बाय वन. तो मतलब हाई लो इस तरह से म्यूजिकल नोट्स तुम एक के बाद एक पकड़ा करो बिकॉज ऑडियंस एंजॉय सच फ्रिल्स. फ्रिल्स का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा फीचर. सो वो बोलता है कि ऑडियंस को ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत पसंद है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए. यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर. सो नाउ ही इज सेइंग तुम्हें अपनी पब्लिक को खुश रखना चाहिए. पब्लिक हियर मींस ऑडियंस जो उसको सुनने आ रही है. गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर. अब उसको बोलते हैं उसको कुछ शार्पर मतलब कुछ डिफरेंट सा. स्नैपियर ऑल्सो मीन्स समथिंग शार्प. तो वो उसको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें और ट्रिल्स ऐड करनी चाहिए, अपनी ऑडियंस को खुश रखना चाहिए, अपनी जो वॉइस है उसमें शार्पनेस लाओ, उनको कुछ एक्साइटिंग दो. सो इस तरह से वो उस नाइटिंगेल को रोज डांटता था. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. मूविंग अहेड विद द पोएम, वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स. So now the frog is saying we must aim for better billings. Billings means earning. कौन सी earning? जब nightingale गाती है तो जो birds और जो insects या फिर जो animals उसके सुनने आते हैं उससे जो collect कर रहा था वो money, उस billing की यहाँ पे बात हो रही है. You still owe me 60 shillings. Shillings is a currency. And यहाँ पे वो frog nightingale को बोलता है तुमने अभी भी मुझे 60 shillings देनी है. किस बात के पैसे देनी है? जो वो उसको
ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए अभी वो कह रहे तुम्हें भी मुझे 60 शिलिंग्स और देने हैं। Day by day, the nightingale grew more sorrowful and pale. So now, day by day, क्या हो रहा था? जो nightingale थी वो sorrowful हो रही थी. Sorrowful means sad and pale is weak. So बहुत sad और weak होने लग गई थी. Night on night, her tired song zipped and trilled and bounced along. अब night by night, her song was getting tiring. Zipped, zipped होता है sang. क्विकली मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी गा रही है. ट्रिल्ड, ट्रिल्ड मीन्स जो वो वहां पे पहले हमने पढ़ा था ना कि फ्रॉग ने उसको क्या कहा था, यू शुड एड मोर ट्रिल्स, तो वो अब उसका सॉन्ग ट्रिल्ड हो गया है. एंड बाउंस्ड अलोंग, बाउंस का मतलब है अप एंड डाउन नोट्स को, वो म्यूजिकल नोट्स को वो गा रही थी. टिल द बर्ड्स एंड बीस ग्रू टायर्ड At a voice so uninspired. अब जो बाकी के birds और जितने भी animals या फिर जो beast वगैरह उसके पास आ रहे थे उसका music सुनने के लिए वो भी थक चुके थे. At a voice so uninspired. Uninspired means without any excitement. इस तरह की voice जिसमें बिल्कुल भी excitement नहीं था. Right? So now आगे है. And the ticket office gross crashed and she grew more morose. So, अब बात हो रही है कि जो ticket office gross मतलब जो ticket से earning हो रही थी, उनकी जो income आ रही थी, that crashed. Crash means sudden downfall. तो अब वो, obviously लोगों को अगर interest नहीं आ रहा था, वहाँ पे जितने animals थे, वो अब उसकी जो singing है, उसकी voice को सुनने के लिए वहाँ नहीं आ रहे थे. So, उनका जो ticket का collection था, वो बिल्कुल ही crash हो गया. And she grew more morose means miserable. या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो और उदास हो गई थी. For her ears were now addicted to applause quite unrested. क्योंकि अब क्यों वो इतनी sad हो गई थी? Because अब उसके कानों को भी आदत हो गई थी. Addicted means getting used to something. किसी चीज की आदत हो जाना. अब उसको किस चीज की आदत हो गई थी? To applause quite unrestricted. Applause means प्रेस करना, तारीफ पे. एंड अनरिस्ट्रिक्ट मीन्स अनलिमिटेड. तो अब उसके कानों को उस अनलिमिटेड तारीफ पे जो उसकी होती थी उसकी आदत हो चुकी थी. बट अब वो धीरे धीरे कम होने लग गया था. सो शी बिकेम सैड. एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल अलोंग गेव हर नो डिलाइट. सॉरी, एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल अलोन गेव हर नो डिलाइट. So, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो रात भर क्योंकि कोई आ नहीं रहा तो वो अकेली ही गाती रहती है. एंड अकेले गाने में उसको बिल्कुल भी प्लेजर नहीं फील हो रहा था. डिलाइट मींस प्लेजर. देन नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विद रे, ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन स्टेज. अब जो फ्रॉग है, पफ्ड का मींस होता है फिल्ड एंड रे मींस एंगर. तो अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था. Brainless bird, you are on stage. अब उसको क्या बोलता है? Brainless bird, तुम स्टेज पर हो. Use your wits and follow fashion. Puff your lungs out with your passion. Wits का मतलब होता है intelligence. वो कहते हैं जो frog है वो nightingale को क्या बोलता है? अपनी intelligence use करो and follow fashion. Follow fashion means जैसा audience को पसंद है उस तरह का गाओ. Puff your lungs out with your passion. Puff your lungs होते हैं, बोलते हैं ना, puff your lungs का literal meaning अगर आप देखोगे तो होता है जोर से सांस लो. तो वो literally उसको बोल रहा था puff your lungs, करो कुछ और अच्छा सा performance दो, अच्छे से गाओ. Okay? So let's see आगे क्या होता है. Now coming to the last part of this poem. Trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale. So trembling means shaking. जैसे डर के मारे कभी हम बहुत nervous होके shake करते हैं, that is what trembling is. Terrified, terrified is afraid. जब वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, afraid to fail. मतलब अब दोबारा से वो frog से इतनी डांट खा चुकी थी कि अब वो बहुत ज्यादा डर रही थी. Blind with tears means her eyes were filled with tears. The nightingale heard him out in silence, cried, puffed up, burst a vein and died. So now he jo nightingale thi usne frog ne jo jo suna wo sab sun rahi thi, jo jo usne bola, cried. Ab usne socha wo last time try karegi, puffed up, wo jo bol raha tha na puff up your lungs,
So she puffed up, उसने बहुत जोर से deep breathing करी, बहुत जोर से long breath ली, burst a vein and अपनी एक vein burst कर ली. Vein होता है जो हमारे अंदर हिंदी में हम नसें बोलते हैं, so उसकी एक नस फट गई. So burst a vein and she died. Said the frog. A frog आगे से क्या बोलता है? I tried to teach her, but she was a stupid creature. So frog बोलता है, मैंने बहुत कोशिश करी उसको सिखाने की, but वो एक stupid creature थी. तो वो Nightingale को stupid बोलता है. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. So now he says she was far too का मतलब है very. So she was very nervous. बहुत ज्यादा टेंस एंड प्रोन प्रोन टू इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रोन मींस इजी सो इजी टू इन्फ्लुएंस कि जिसे कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है इन्फ्लुएंस कर सकता है वेल पुअर बर्ड शी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन सो अब वो क्या बोलता है पुअर बर्ड उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो सॉन्ग है जो तुम गा रहे हो दैट शुड बी योर और ना कि दूसरे जो तुम्हें बोल रहे हैं ऐसे नहीं वैसे गाओ ऐसे नहीं ऐसे करो वो नहीं उसे सुनना चाहिए था That's why I sing with panache. Panache means with confidence. तो इसलिए वो बोलते हैं इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गाता हूँ देन afterwards, को ओ आ को ऐश सो वो अगेन अपनी जो फ्रॉग जैसे गाता था वो स्टार्ट कर देता है एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग blared unrivaled through the bog. So, foghorn means very loud noise. वो अब जो frog की जो बहुत ही ज़्यादा unpleasant noise है, blared again means गूंजना. वो पूरे bog में गूंजने लगी. And one word is here unrivaled means now he had no rival. और कोई नहीं था वहाँ पे जो उसका competitor हो या उसके साथ जिसका competition हो, right? So this was the end of this poem. This was a very long poem, but still it's an easy poem. ऐसा नहीं है इसके जो question answers आएंगे वो आप easily attempt कर पाओगे. Okay, I hope आपको poem अच्छे से समझ आ गई होगी. Now I'll come back again with a new chapter. Till then, take care and bye bye.